नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्णिमा की आवाज चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, पत्नी को इतने बड़े कंपनी की मालकिन बनी देखकर पति के होश उड़ गए। सुहागरात पर मैं छुई मुई सिमटी सी फूलों की सेज पर एक गुड़िया की तरह शर्माई घबराई सी बैठी हर उसी नई शादीशुदा दुल्हन की तरह अपनी शादी की पहली रात को अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज गए थे पर मेरे पति की कोई खबर नहीं थी। इंतजार करते करते 1 बज गया, उनकी अभी तक कोई खबर नहीं थी। फिर 2 बजे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति कमरे के अंदर आए तो वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, गिरते पड़ते बिस्तर तक पहुँचे। जैसे ही मैंने उनको सहारा दिया, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और कहा, साली तूने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, इसकी सजा तुझे मैं देकर रहूंगा। और उन्होंने मुझे जानवरों की तरह नोचा। पूरी रात मैं रोती रही, रहम की भीख मांगती रही, पर इन पर तो जैसे कोई जानवर सवार हो गया था। सुबह 5 बजे मुझे होश आया। जाने कब तक ये जानवर मुझे नोचता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो मेरी आंखों से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जो सपने मैं लेकर आई थी, सारे सपने। मेरी सुहाग सेज के चारों तरफ मेरे फटे हुए कपड़ों के साथ राख में मिल चुके थे। पर अब फूटा नसीब क्या कर सकते हैं? जो भी है मुझे ही सही करना था। सुबह 6 बजे मेरी सास ने मुझे आवाज लगाई, बहू उठ जा, नहाकर बाहर आ जा। मैंने भी अपने आंसू पोछे और फिर नहाकर बाहर आ गई और चाय बनाकर अपने पति को देने कमरे के अंदर गई तो वो अभी तक सो रहे थे। मैंने उनको उठाया, उठिए जी, चाय पी लीजिए। मेरे पति ने आंख खोली और मुझे देखा तो उनको रात का दूसरा धुंधला याद आया कि कैसे वो राक्षस बन गए थे। मेरे पति ने शर्मिंदा होते हुए कहा, आकांक्षा मुझे माफ कर दो, मैं रात को शराब के नशे में तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया था। और उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। उनको ऐसे देखकर मैंने भी उनको कहा, आप मेरे पति हैं, आप ऐसे मुझसे माफी मत मांगिए, मुझको पाप पड़ेगा। बस आप आज के बाद शराब पीकर घर पर नहीं आएंगे, मुझसे वादा करिए। उन्होंने भी वादा किया कि आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और फिर चाय पीकर तैयार होकर काम पर चले गए। मैं भी खुश थी, जो दर्द लिखा था किस्मत में वो तो मिलना ही था, पर शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा। मैं पूरा दिन खुश थी, घर पूरा भरा हुआ था। मेरी 2 जिठानी और मेरी सास, मेरी जिठानी के बच्चे सब मेरे साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर बात कर रहे थे। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, सबने खाना खा लिया। अभी मेरे पति घर पर नहीं आए थे तो मैं उनका खाना लेकर अपने रूम में चली गई। बहुत खुश थी कि आज रात मेरे पति मुझे अच्छे से प्यार करेंगे और मैं कल के उन गहरे जख्मों को कुछ हद तक भूल सकूं। आज भी मेरे पति रात को 12 बजे घर पहुंचे और फिर वो आज शराब पीकर आए थे। कल वाली कहानी उन्होंने आज भी दोहराई तो मैं अब नहीं सह सकी और उनको रोकने की कोशिश की। उनके अंदर तो शराब रूपी जानवर बैठ चुका था। उन्होंने मुझे जोर से गालों पर 5 से 7 तमाचे मारे। हमला इतना जोर का था कि मैं अब अपने होश में नहीं थी और वो मुझे फिर से नोचते रहे। मैं सुबह को 6 बजे उठी तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से नीचे भी उतर सकूं। लेकिन सबके उठने का समय हो चुका था तो जैसे तैसे मैं उठकर बाथरूम तक पहुंची और नहाकर तैयार होकर रूम से बाहर निकल आई और फिर चाय लेकर रूम में गई तो वह वैसे ही कल जैसे उनके घड़ियाली आंसू, वही रोना, वही वादे। मैं बस सुनती रही और अपनी किस्मत पर रोती रही। अब तो ये रोज का हो गया था, रोज रात को शराब पीकर आते और मैं रोज बिस्तर पर लुटती रहती थी। मैं कभी पूछती कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं तो और ज्यादा मुझे दर्द मिलता था, इसलिए मैंने पूछना भी बंद कर दिया। ऐसे ही दर्द सहते सहते 2 महीने निकल गए पर मेरा दर्द कम नहीं हुआ। सास भी मुझसे पूछती कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो, अब उनसे क्या बोलूं? कुछ शब्द ही नहीं थे मेरे पास। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में मैंने अपने पति का प्यार एक दिन भी नसीब नहीं हुआ।
हाँ, अपनी इच्छा वो जरूर पूरी कर लेता था, वो भी मेरी इच्छा के बिना पर। फिर भी माँ बनना मेरे नसीब में नहीं था। मैं अपना दर्द भी किसी से नहीं बांट सकती थी, क्योंकि माँ पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे और एक चाचा चाची थे तो उन्होंने मुझे पैसे की लालच में इन कसाईयों के पास बेच दिया था। अब मेरा एक और नाम पड़ चुका था बांझ, एक खूबसूरत नाम। आकांक्षा के होते हुए भी अब सब उस नाम को भूल चुके थे। चाहे मेरी जेठानियों हो या सास, सबके मुंह पर एक ही नाम था बांझ। अब तो घर पर मेरे साथ भी परायों जैसा व्यवहार किया जाने लगा था, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। एक बार मुझे पता चला कि मेरे पति की एक प्रेमिका थी। शादी से पहले की मेरी शादी तय होने की वजह से इनकी प्रेमिका नहीं ने छोड़ दिया था तो विशाल उसका गुस्सा मुझ पर निकालते थे। ये बात खुद विशाल ने मुझे बताई थी। अगर मैं कुछ कहती या विरोध करती तो उस दिन मेरी हालत उठने को नहीं होती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। मैंने खुद से विचार किया कि एक बार डॉक्टर से चेकअप कराया जाए तो मैं अपने बांझ होने का कलंक मिटा सकती हूँ। इसीलिए मैं एक लेडी डॉक्टर से मिली और उसने मेरा चेकअप करने के बाद कहा कि आकांक्षा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, एक बार अपने पति का चेकअप करवा लो। जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तो फिर तो मेरी शामत आ गई। उस दिन पहली बार मैंने असली दर्द क्या होता है ये जाना था। उन्होंने बेल्ट से मार मार कर मेरे शरीर पर जख्म बना दिए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैं उस मार से बेहाल वहीं ठंडे फर्श पर लेटी और अपनी किस्मत पर रोती रही। इतना असहनीय दर्द हो रहा था कि खुद ब खुद आंसू बहाए जा रहे थे। रोते रोते दर्द की पीड़ा से बेहोशी सी छा गई और मैं वहीं सो गई। मेरी नींद सुबह सास के तानों से खुली। ओह महारानी, सोती ही रहोगी या कुछ काम भी करना है? कहां से करमजली हमारे बेटे के नसीब में आ गई। मैंने हिम्मत करके उठी और नहा कर घर के काम पर लग गई। लेकिन किसी ने भी मुझसे रात के बारे में नहीं पूछा। एक बार मेरी बड़ी जिठानी की माँ हमारे घर पर आई थी तो उन्होंने भी मेरी सास जानकी देवी के ताल से ताल मिलाया। जानकी देवी अपने लड़के की दूसरी शादी करवा दो तो उसके भी बच्चे हो जाएं। क्यों इस बोझ को पाल रही हूँ? मेरी सास भी उसकी बात से सहमत हो गई और अपने लड़के के लिए नई बहू खोजना चालू कर दिया। मैंने भी अब समझ लिया कि जब मेरे जीवन में जब कुछ बचा ही नहीं है तो मैं ये दर्द क्यों हूँ। मैंने फैसला किया कि अब तो मुझे तलाक ले लेना ही चाहिए। अपने डर को पीछे छोड़कर मैंने तलाक का फैसला कर लिया और इत्तेफाक से उसी रात मेरे पति फिर शराब पीकर आए तो मैं बिस्तर पर लेटी थी और आते ही उन्होंने मेरी कमर पर लात मारकर मुझे जमीन पर गिरा दिया और गाली देकर बोले, मैं आया हूँ और तू सोई पड़ी है, जा जाकर खाना लेकर आ, मुझे भूख लगी है। मैं रसोई घर में गई और खाना गरम करके ले आई। खाना तो आज मैंने भी नहीं खाया था। तो दो थाली बिस्तर पर रखकर मैं वहीं बैठ गई। खाने का पहला निवाला खाते ही उन्होंने मेरे मुंह पर थूक दिया और थाली उठाकर मेरी ओर उछाल दी। ऐसा घटिया खाना बनाती है तू बांझ, तूने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा। मैंने अपने हाथ बीच में लाकर खुद पर गरम खाना गिरने से बचा लिया और हिम्मत से कहा, मैं बांझ नहीं हूँ। शराब पीकर आपने खुद को कमजोर कर लिया है और दोष मुझे दे रहे हैं कि मैं बांझ हूँ। इतना सुनना था कि वह उठे और अपनी कमर से बेल्ट निकाला और जैसे ही मेरी तरफ बेल्ट मारने की कोशिश की, मैंने बेल्ट को अपने हाथ से पकड़ लिया और उनसे छीन लिया। अब वह बिस्तर से उठे और मेरी तरफ जैसे ही झपटे तो मैंने उन्हें पूरी ताकत से धकेल दिया और वह जाकर फर्श पर गिर गए। शराब के नशे में ही जैसे तैसे वह उठे और बड़बड़ाया, आज तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने भी पलटकर जवाब दिया, तुम जैसे जानवर के साथ रहेगा भी कौन। बस फिर क्या था, उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और सामने सब तमाशा देखने वाले खड़े थे। मैं भी गुस्से में थी। आज पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि सारा गुस्सा निकाल देना चाहती थी मैं। मैंने देखा कमरे के बाहर मेरी सास, मेरी दोनों जिठानी और दोनों जेठ खड़े थे। मैंने उनको देखते हुए कहा, आ गए तमाशा देखने के लिए।
शर्म नहीं आती अपने नपुंसक बेटे की कमी को छुपाने के लिए मुझे दोष देते हैं और अब किसी दूसरी मासूम लड़की की बलि देने की सोच रही है। अपने बेटे की दूसरी शादी करने से पहले उसका अच्छे से इलाज करवाओ, तब तो किसी मासूम लड़की को फंसाना। इतना सुनते ही मेरी सास ने कहा, विशाल देख क्या रहा है, निकाल अभी के अभी इसे बाहर। मैंने भी कह दिया, अब मुझे भी नहीं रहना इस घर में, मैं खुद ही निकल जाती हूँ यहाँ से। और रात के 11 बजे ही घर से निकल गई, ना कोई बैग ना कोई सामान, खाली हाथ और खाली जेब। पता नहीं था कहाँ जाना है और क्या करना है, बस मुझे आप उस जेल से आजादी चाहिए थी, बस और नहीं। मैं घर से निकली, उस समय रात के 11 बज रहे थे, मुझे कोई होश नहीं था, बस चलती जा रही थी। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया था, तो भूख के मारे चक्कर भी आ रहे थे, बस चलती जा रही थी। तभी सामने से एक कार मेरे ठीक सामने आकर रुकी। लड़की मरना है क्या तुझे, जो ऐसे बीच रास्ते पर चल रही है, कार का ड्राइवर चिल्लाकर बोला। मैंने जब अपने सामने रुकी कार को देखा, तो कार की रोशनी जैसे ही आंखों में पड़ी, मैं वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक घर के रूम में बिस्तर पर पाया। आंख खुली तो मेरे सामने एक 50 साल की एक खूबसूरत औरत बैठी थी, जिनका नाम कल्याणी देवी था। उठ गई बेटी, उस औरत के मुंह से बेटी शब्द सुनकर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे आंसू निकल आए और मैं रोने लगी। अरे रोते नहीं है, अच्छा ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है, और तुम इतनी रात को ऐसे बीच सड़क पर क्या कर रही थी। मैं बस हैरानी से उस रूम को और उस औरत को देखे जा रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई, जिसमें रात के 2 बज रहे थे, मतलब कि मैं यहाँ पर 3 घंटे से बेहोश पड़ी थी। जब उसने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो वो खुद ही बोली, मैं भी कैसी पागल औरत हूँ, पहले ये बताओ कुछ खाओगी मुझे। भूख तो जोरों की लगी थी, तो मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। वो बाहर निकली और 5 मिनट बाद फिर रूम के अंदर आ गई। उनके हाथ में एक प्लेट में नमकीन और कुछ बिस्किट और केक थे। अंदर आते ही बोली, इतनी रात हो गई है, खाना तो कुछ बचा नहीं है, अभी के लिए यही खा लो। मैंने जल्दी से पूरी प्लेट खत्म की, बिना सिर को उठाए हुए जब मैंने खा लिया और नज़र ऊपर की, तो वो औरत मुझे ही देखे जा रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। मैंने भी शर्मिंदगी के साथ कहा, वो आंटी जी आज मैंने खाना नहीं खाया था, तो भूख बहुत लगी थी। औरत ने कहा, और खाना है नहीं आंटी। अच्छा आप बताओ कहाँ से आई हो और तुम्हारे पति कहाँ हैं? उस औरत ने सवाल किया। आंटी जी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कहकर मैं चुप हो गई। अच्छा आराम करो, कल बात करते हैं, कहते हुए वो औरत रूम से बाहर निकल गई। मेरी आंखों में नींद कहाँ थी, मैं तो जो कल हुआ था और आगे क्या होगा उसके बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए। अब मेरी आंखें भी नींद से भर गई थी और मैं सो गई। मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया और मैं दोपहर के 12 बजे उठी। पिछले 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 12 बजे तक सोई थी। जल्दी से उठकर मुंह धोकर मैं उस रूम से बाहर आई, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था, वो तो कोई आलीशान महल लग रहा था। इतना खूबसूरत महल जैसा घर मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। नीचे बड़ा सा हॉल, उस पर पड़े 2 साइड सोफे और बीच में डाइनिंग टेबल। हॉल की दूसरी साइड भी ऐसे ही सोफे के सेट और उसके सामने एक और डाइनिंग टेबल था। एक साइड किचन बना था और उसके बगल से ऊपर जाने के लिए रिवॉल्विंग सीढ़ी बनी हुई थी। नीचे 3 कमरे बने हुए थे, ऊपर जाने का तो मौका ही नहीं मिला था, तो पता नहीं ऊपर क्या था। सामने सोफे पर वही बैठी थी, उसके साथ एक 3 साल की बच्ची भी थी। उनकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उस औरत ने मुझे बुलाया, इधर आ जाओ बेटी।
पता नहीं, मुझे उनके मुंह से बेटी सुनना इतना अच्छा लगा कि शब्द तो जैसे कि मैं भूल ही चुकी थी। इस घर में आने के बाद मुझे 3 ऐसे कारण मिले जिसने मुझे इस घर में रहने के लिए लालची बना दिया। एक तो मैं देर तक सोती रही और मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरा ये घर नहीं महल था और तीसरा उस औरत का मुझे इतनी प्यार से बेटी बुलाना। मैं उनके पास जाकर बैठी तो उन्होंने सबसे पहले किचन की तरफ आवाज लगाई, कमला चाय लेकर आना। दादी या आंटी कौन है? उस बच्ची ने उस औरत से पूछा। बेटा, यह आंटी इस घर की मेहमान है। चाय पीने के बाद मैंने कहा, अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, मुझे काम की तलाश भी करना है। उस औरत ने मुझे एक पल देखा और पूछा, क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो? मैंने कहा, नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? उन्होंने मुझे मेरे शरीर पर बैज के निशान देखे तो पूछा, फिर तुम्हारे शरीर पर हर जगह घाव और निशान कैसे पड़े हैं? मैंने उनकी बात को काटते हुए पूछा, सौम्या की माँ नजर नहीं आ रही है। सौम्या की माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। जब सौम्या 1 साल की थी तो राधिका की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से सौम्या को मैंने पाला है कहते हुए उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहराया। मैं उनकी तरफ देखती हुई एकदम से उनके घुटनों पर अपना मुंह झुका कर रोने लगी। बताओ बेटी, क्या हुआ था? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। मैं फिर भी हिम्मत नहीं कर पाई कुछ भी बताने की। उन्होंने फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, क्या अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? अब मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि मेरा दुख बांटने वाला आज तक कोई भी नहीं था तो किसको बताती। मैंने शुरू से अंत तक अपनी पूरी जीवन की किताब उनके सामने खोलकर रख दी। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद आंटी को तो मानो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना भी जालिम कैसे हो सकता है। मेरी बात खत्म होते ही मैंने कहा, अब मुझे निकलना चाहिए आंटी जी। उस औरत ने मुझे प्यार से बैठाया और कहा, देखो बेटी, क्या तुम सौम्या की देखभाल कर सकती हो? भगवान भी कैसे कैसे जुल्म करता है। इस मासूम को माँ का प्यार ही नसीब नहीं हुआ। मैंने भी तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि मेरे अंदर तो वैसे भी लालच आ गया था इस घर में रहने का। ठीक है आंटी जी, मैं आज सौम्या का पूरा ध्यान रखूंगी। मैंने सौम्या को अपने पास बुलाया, सौम्या बेटा इधर आना। सौम्या मेरे पास आई। बेटा मुझसे दोस्ती करोगे? सौम्या भी खुशी खुशी मेरे बगल में आकर बैठ गई और हमारी अच्छी पटने लगी थी। फिर दोपहर का खाना खिलाकर मैं सौम्या को उसके रूम में ले गई और सुला दिया। शाम को फिर सौम्या को उठाकर दूध दिया और मेरे साथ ही खेलती रही। रात को सौम्या को खाना भी खिलाया और सुलाया भी। मैंने ही दूसरे दिन सुबह में अपने टाइम पर 6 बजे उठी। नहाने के बाद मैंने फिर वही कपड़े पहन लिए, क्योंकि कपड़े तो थे नहीं मेरे पास। फिर बाहर आकर मैंने देखा कि पूरा घर खाली था। कोई भी नहीं था कि पूरा घर खाली था, कोई भी नहीं था। नीचे हाल में मैं किचन में गई और सामान ढूंढने लगी। फिर मैं अपने लिए चाय बना रही थी। कमला काकी मेरे लिए एक मस्त चाय बना, तो बहुत थक गया हूँ। बाहर से किसी की आवाज आई तो मैंने मुड़कर देखा। एक 30-32 साल का लंबा चौड़ा आदमी काले रंग का सूट और काली रंग की पैंट पहने सोफे के पास खड़ा था। मैंने जो चाय बनाई थी जाकर उसको पकड़ा दी। वो आदमी मुझे एकटक घूरे जा रहा था। तुम कौन हो और कमला काकी कहाँ है? उसके सवाल से मैं डर गई। एक तो इतनी सुबह सुबह वह ऐसे घर के अंदर आया था और फिर उसका ये सवाल। मैंने हिम्मत के साथ कहा, मैं सौम्या की देखभाल करने के लिए यहाँ आई हूँ। मगर आप कौन हैं? मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझसे ही सवाल। इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? मैं तुम्हारी सौम्या का पापा हूँ। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और कहा, मुझे क्या पता आप सौम्या के पापा हैं? मैं तो यहाँ कल ही आई हूँ और इतनी सुबह सुबह कोई ऐसे घर में घुस आएगा तो पूछना तो पड़ता है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये बताओ कहाँ से आई हो और पहले कभी बच्चे पाले हैं तुमने? मैंने ना मैं जवाब दिया तो उनको और गुस्सा आ गया। किसने रखा है तुमको?
बताओ वो आंटी जी ने। मैंने भी डरते डरते कहा, ये माँ भी ना बिल्कुल पागल हो गई है। मैं भी उदास होकर वहाँ चुपचाप खड़ी थी। तो फिर उन्होंने गुस्से से कहा, अब क्या मेरे सिर पर ही खड़े रहना है, जाओ अपना काम करो। मैं उदास किचन में ही एक टेबल पर बैठ गई। मेरी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में आंटी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, आकांक्षा उठ गई हो तो सौम्या को भी उठा दो। मैं किचन से बाहर निकली और देखा तब तक सौम्या के पापा जा चुके थे। मैंने सौम्या को उठाया और तैयार करके नीचे लेकर आ गई। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर आंटी ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको सुबह वाली पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर आंटी ने कहा, मेरा बेटा राधिका के जाने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। वो उसे बहुत प्यार करता था, बस कोई उसके चेहरे की मुस्कान वापस ला दे तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। बहुत उदास रहता है मेरा बच्चा। मैं पूरा दिन उसके ही बारे में सोचती रही। सौम्या ने भी मेरा उदास चेहरा देखा तो पूछा, आपको क्या हुआ आंटी। मैंने कुछ नहीं कहा तो दादी ने उसको बताया कि आज आपके पापा ने आपकी आंटी को डांट दिया। रात को सौम्या के पापा घर आए तो सौम्या मेरी गोद में बैठी थी। आते ही उन्होंने सौम्या को बुलाया, मेरा बच्चा आज पापा के पास आ गया। सौम्या ने अपने पापा को देखकर कहा, आप गंदे हो, आपने आंटी को आज क्यों डांटा। कहते हुए सौम्या मेरी तरफ होकर बैठ गई। मैंने उसको समझाया, बेटा ये आपके पापा हैं और पापा से कभी ऐसे बात नहीं करते, गंदी बात है, चलो पापा से सॉरी बोलो। और सौम्या ने फिर अपने पापा से सॉरी बोला। सौम्या के पापा मुझे ही घूरे जा रहे थे। मैंने जल्दी से सौम्या को उठाया और उसके रूम में चली गई। सुलाने के लिए सौम्या को सुलाने के बाद मैं नीचे आई तो आकाश जी वहीं सोफे पर ही बैठे मुझे घूर रहे थे। मैं उनसे नजरें बचाकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मतलब अब तुम मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ करके मुझसे अलग करना चाहती हो। मैं तुम जैसों को अच्छे से जानता हूँ, बच्चा चोर गिरोह से हो तुम। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, नहीं तो चली जाओ इस घर से। अभी अभी मैं भी रोने लगी। कई बार किस्मत, पहले बांझ, फिर तलाक और अब बच्चा चोर गिरोह, और कितने कलंक लगने बाकी हैं मेरी जिंदगी में। मैंने आंखों में किसी तरह आंसू छुपा कहा, साहब जी पुलिस को फोन मत लगाना, मैं अभी चली जाती हूँ इस घर से। और मैं वहीं से दरवाजे की ओर चली गई, फिर बाहर निकल गई। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। मैं घर से निकल तो गई पर मेरे सामने फिर वही समस्या थी कि अब मैं किस तरफ जाऊं। दो दिन की खुशियां मेरे नसीब में आई थी। इन 8 सालों में सब मर्द एक जैसे होते हैं, निर्दय जालिम। उनको किसी औरत की भावनाओं की चिंता नहीं होती है। जैसा मेरा मर्द था वैसे ही आकाश जी भी निकले। मैं सोचती हुई जा रही थी कि तभी मैंने देखा कि सामने दो लड़के एक लड़के को मार रहे थे और उसके हाथ से कुछ छीन रहे थे। वो लड़का उनसे मुकाबला कर रहा था पर उस तरफ दो लड़के थे तो ये लड़का कमजोर पड़ता जा रहा था, फिर भी मुकाबला जारी रखा। अचानक उनमें से एक लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और अकेले लड़के के पेट में चाकू मार दिया और उसका मोबाइल छीन कर भाग गए। वो अकेला लड़का वहीं पर गिर गया और उसको अब होश नहीं था कुछ भी। मैं भाग कर गई और उसको उठाया और आसपास नजर दौड़ाई तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे, रोड भी खाली थी पर कुछ तो करना ही था। यह सोचकर उस लड़के को अकेले ही घसीटते हुए ले जाने लगी। तभी वहाँ से दो आदमी निकल कर जा रहे थे तो मैंने उनसे मदद मांगी कि इस लड़के को सामने अस्पताल तक पहुँचवा दीजिए। उन दोनों ने उस लड़के को हॉस्पिटल तक पहुँचाया और जल्दी से निकल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इलाज चालू किया और पूछा, यह आपके कौन है। तो अब मैं क्या बोलती कि यह कौन है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। मैंने भी साफ साफ बता दिया कि ये मुझे सामने की सड़क पर बेहोश मिले थे तो मैं इनको यहाँ लेकर आ गई। डॉक्टर ने उसका इलाज चालू किया और उसके पास से उसका विजिटिंग कार्ड निकालकर उस पर लिखे नंबर पर फोन किया और उनके घर वालों को वहाँ बुलवाया।
हॉस्पिटल कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, वो तो एक छोटे से घर पर बना एक नर्सिंग होम था जिसमें 3 कमरे थे मरीजों के लिए और फिर भी सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल था। रात 4 बजे कोई उस हॉस्पिटल में चिल्लाते हुए पहुंचा, डॉक्टर डॉक्टर कोई है यहाँ? उसकी आवाज़ उस हॉस्पिटल के अंदर गूंज उठी। मैं उस लड़के के पास ही उसके बेड पर बैठी थी और बाहर से आती हुई आवाज़ को सुन सकती थी। डॉक्टर ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, डॉक्टर उस आवाज़ की तरफ गए। ओहो, मिस्टर भार्गव जी आ गया। डॉक्टर, मेरा भाई किधर है और उसको क्या हुआ है? उसकी आवाज़ में भारीपन और चिंता थी। मैं समझ गई कि यह जो कोई भी है, इस लड़के का भाई है। डॉक्टर ने बताया कि अब आपका भाई ठीक है और उस कमरे में है। तुरंत मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला और वो शख्स अंदर आ गया। छोटे, क्या हुआ तुझे और किसने किया? ये सब बोलते हुए उसकी नज़र मेरी ओर आई तो मेरी सांस ही रुक गई। मैं अब उस कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसने आवाज लगाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको मैंने कहा था ना मेरे घर परिवार से दूर रहने के लिए, तो तुमको सुनाई नहीं देता। क्या बुलाऊं क्या? अभी पुलिस को मैंने इतना ही सुना और मैं वहाँ से निकलकर उस हॉस्पिटल के बाहर आ गई। पर अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? रात के 4 बज रहे थे। मुझे तो कुछ नहीं सूझा तो मैंने अब 2 घंटे हॉस्पिटल के बाहर साइड में एक बेंच पर ही रुकने का विचार किया। सुबह उजाला हो जाएगा तो कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ जाना है। मैं उस बेंच पर आकर बैठ गई और बैठे बैठे ही नींद में चली गई। हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर उस लड़के के रूम में गए तो उन्होंने पूछा, मिस्टर आकाश, वो लड़की कहीं गई जो इन्हें यहाँ लाई थी? क्या वो लड़की मेरे भाई को यहाँ लाई थी? डॉक्टर आकाश जी ने चौंकते हुए पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, यस मिस्टर आकाश, वह बता रही थी कि 2 लड़के इसको चाकू मारकर इसका मोबाइल छीनकर भाग गए, तो वो लड़की इसको उस सड़क से यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई थी। पता नहीं कहाँ चले गई। बिना बताए इतनी रात को मिस्टर आकाश ने घड़ी देखी तो रात के 4:30 बज रहे। मिस्टर आकाश तुरंत उठे और डॉक्टर, आप मेरे भाई के लिए तुरंत कोई नर्स का इंतजाम करो। मैं अभी आया 5 मिनट में कहते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ गए और जैसे ही कार में जाने लगे तो उनको मैं वहीं साइड में बेंच पर सोती हुई दिखी। मिस्टर आकाश मेरे पास आए और उठाते हुए बोले, लड़की सुनो। मैं आवाज़ सुनकर तुरंत नींद से जाग गई और देखा तो सामने मिस्टर आकाश खड़े थे। मैंने हड़बड़ाते हुए उनसे कहा, साहब पुलिस को मत बुलाना, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। रात में कहाँ जाऊं? कुछ डर सा लग रहा था। मिस्टर आकाश ने मुझे हॉस्पिटल के अंदर बुलाया और सिर्फ इतना ही कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बोलो तुमको कितना रुपया चाहिए? मैंने कहा, साहब मैंने कोई उपकार नहीं किया, न ही रुपयों के लिए किया है। और हाँ, आपके भाई की जगह कोई और होता तो भी मैं वही करती जो मैंने अभी किया, और मैं बच्चा चोर नहीं हूँ। साहब, मेरी मजबूरी ने मुझे यहाँ पर काम करने दिया, नहीं तो मैं भी पढ़ी लिखी BSc MSc पास स्टूडेंट हूँ, कुछ भी काम कर सकती हूँ। मिस्टर आकाश शर्मिंदा थे। उन्होंने दोबारा भी माफ़ी मांगी और कहा, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे माफ कर दो और जो कुछ भी हुआ वो माँ को मत बताना प्लीज। मैंने भी कहा नहीं बताऊंगी। और बात करते करते सुबह के 6 बज गए थे। उजाला पूरी तरह से हो चुका था तो मैंने उनसे कहा, अब आप घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, पक्का तुम संभाल लोगे। उन्होंने सवालिया तरीके से पूछा। मैंने कहा, हाँ मैं यही हूँ, आप जाइए, नहीं तो मान जी चिंता करेंगी आपकी। मिस्टर आकाश वहाँ से चले गए और मैं अब उनके भाई के पास आकर बैठ गई। सुबह 10 बजे आकाश जी और उनकी माताजी हॉस्पिटल में आई और वरुण को देखने उस कमरे में आए। हॉस्पिटल का रूम बहुत छोटा था, उसमें सब तो आ ही नहीं सकते थे, तो माँ जी को उस रूम में छोड़कर मैं और आकाश जी बाहर चले गए। बाहर जाते ही आकाश, जिन्हें पहली बार बड़े प्यार से मेरा नाम पुकारा, आकांक्षा जी,
मैंने चौंककर उनकी तरफ देखा तो आकाश जी ने कहा, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं इतना सब बोल गया आपसे। अभी सुबह मुझे माँ ने आपके बारे में बताया तो मुझे लगा कि मैं गलत था। मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे इसकी आदत है, मैं ऐसी बातें हर रोज सुनती थी, यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बस पुलिस वाली बात से डर गई थी क्योंकि मेरे ऊपर तो 3 कलंक पहले ही लग चुके थे, फिर अगर पुलिस ले जाती तो फिर बांच तलाक, बच्चा चोर के बाद हवालात में भी रहने का कलंक लग जाता। मिस्टर आकाश ने अपनी गलती महसूस की और कहा, अच्छा तो बताइए, इसके लिए आप मुझे क्या सजा देना पसंद करेंगी? मैं ये शब्द पहली बार सुंदर थी कि कोई मर्द मेरे सामने अपनी गलती मानकर सजा के लिए बोल रहा है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मैं किसी को कोई सजा नहीं देने वाली हूँ, वैसे भी सब मर्द एक जैसे होते हैं। आज बोल रहे हैं आप, कल फिर उससे दुगुना दर्द मुझको ही मिलेगा। आकाश जी ने कहा, आकांक्षा जी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, वो तो राधिका के जाने के बाद मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, तो मैं ऐसा बन गया था। आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी बात पर गुस्सा नहीं करूँगा, बस आप मेरी बेटी को संभाल लो। मैंने भी कहा, आप सौम्या की चिंता मत करिए, मैं उसको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगी। तब तक आकाश जी की माँ भी बाहर आ जाती हैं और आकाश जी ने कहा, माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ, रुक इसको भी ले जा, साथ में घर छोड़ देना, रात भर की जागी है तो आराम कर लेगी। आंटी जी ने आकाश जी से कहा, मैंने मना कर दिया पर आंटी ने मुझे जबरदस्ती घर भेज दिया। मुझको घर छोड़ने के बाद आकाश जी अपने ऑफिस चले गए और मैंने अच्छी नींद ली। शाम को उठने के बाद सौम्या के साथ बैठी थी तो सौम्या ने कहा, आंटी आपके कपड़े कितने गंदे हैं, जाओ अभी इनको बदल कराओ। मैंने भी मासूमियत के साथ कहा, पर आपकी आंटी के पास तो कपड़े ही नहीं है। सौम्या उठी और मेरे साथ ऊपर चलकर आकाश जी के रूम से अपनी माँ की साड़ी दी और कहा, जाइए इसको पहन कर आइए। जल्दी से मैंने भी देखा, मेरे कपड़ों पर खून के निशान लगे हुए थे तो मैंने भी जल्दी से साड़ी ली और चेंज करके आ गई। अब आप अच्छी लग रही हो आंटी, कहते हुए सौम्या फिर से मेरे पास आ गई। रात को जब आकाश जी घर पहुँचे तो मैं सौम्या को खाना खिला रही थी। आकाश आते ही गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह साड़ी पहनने की, किसने दी तुमको ये साड़ी, कहते हुए बिल्कुल लाल पीले हो गए। सौम्या ने डरते डरते कहा, पापा ये साड़ी आंटी को मैंने दी है। आकाश जी ने सौम्या को एक थप्पड़ लगाया और मुझसे बोले, जाओ अभी की अभी यह साड़ी उतार कर आओ और अपने रूम में चले गए। मैंने सौम्या को चुप कराया और उसको उसके कमरे में सुलाकर साड़ी बदलकर आकाश जी के रूम में गई और साड़ी वापस उनको दे दी और कहा, आपको बच्ची पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया है, और बोलकर वापस आ गए। सुबह उठी तो घड़ी की तरफ देखा, 7 बज रहे थे, जल्दी से उठी, रूम से बाहर आई तो देखा तो फिर से सन्नाटा था। मैंने अपने लिए चाय बनाई और पीने के बाद किचन से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, देखा तो सामने आकाश जी तैयार होकर खड़े थे। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? आकाश जी बोले कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। आकाश जी ने आंटी को घर भेज दिया और हम दोनों वहाँ पर थे। तब आकाश जी ने कहा, कल रात के लिए सॉरी। मुझे भी अपनी सुहागरात वाली बात याद आ गई तो मैंने भी कहा, आकाश जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आकाश जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जी बोलिए। तो मैंने उनसे कहा, मेरे पति ने सुहागरात वाले दिन मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया और फिर दूसरे दिन सुबह को मुझे सॉरी बोला, पर दूसरे दिन भी उन्होंने मेरे साथ वैसा ही किया और तीसरे दिन फिर उन्होंने मुझको सॉरी बोला। उसके बाद उनका ये सब रोज का हो गया था। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे क्यों आकाश जी, उन्होंने मुझसे फिर वादा किया तो मैंने कहा, वादा नहीं करके दिखाइए। उन्होंने भी कहा, ठीक है मैं बदल कर दिखाऊंगा आपको, मुझे खुशी होगी आपके बदलने से, और मैं यह अपने लिए नहीं कर रही हूँ।
यह मैं आपके लिए कर रही हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप आज छोटे जानवर हैं, कल बड़े जानवर बन जाइए। मेरा क्या जाएगा? आकाश जी ने मेरी बात को समझ लिया और सिर झुकाकर बाहर चले गए। सुबह 10 बजे आंटी जी हॉस्पिटल आई और हमें फिर से घर भेज दिया। घर पहुंचकर मैंने सौम्या को उठाया और नीचे लेकर आई, फिर दूध गर्म करके दिया। आकाश जी सामने बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने सौम्या से बात करनी चाही तो दूध खत्म करके वहाँ से उठकर भाग गई और जाते जाते बोली, आप गंदे हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मैंने आकाश जी से बोला, आप जाइए, मैं उसको समझा दूंगी। आकाश जी ऑफिस के लिए चले गए। मैं सौम्या के रूम में गई तो वो बिस्तर पर उदास बैठी थी। क्या हुआ? हमारी सौम्या को बोलते हुए मैं उसके बिस्तर पर पहुंची। पापा गंदे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। आंटी आप भी मत करना। मैंने उसको समझाया, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, अगर हम गलत काम करते हैं तो भगवान जी हमें सजा देते हैं और हमारे मम्मी पापा हमारे भगवान जी हैं। तो अगर हम गलती करते हैं तो हमें सजा देने का हक हमारे मम्मी पापा को है, तो कभी भी भगवान जी से गुस्सा नहीं होते हैं। अच्छा आंटी, अगर गलती हो जाए तो फिर क्या करते हैं? सौम्या ने अपनी मासूम जुबान से पूछा। मैंने भी वैसे ही जवाब दिया। अगर हमने गलती की है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। आपने गलती की थी तो आप पापा को सॉरी बोलो। सौम्या को अपनी गलती का एहसास था तो उसने कहा, मैं पापा को सॉरी बोलूंगी। जब वो वापस आएंगे और हम दोनों मस्ती करने लगे। शाम को जब जल्दी ही आकाश जी ऑफिस से आ गए और नीचे ही सोफे पर बैठे थे, कमला काकी ने उनको पानी दिया और सौम्या मेरे साथ मेरे कमरे से बाहर आई तो अपने पापा को देखकर उनके पास गई। पापा सॉरी, अब आगे से कभी गलती नहीं करूंगी। आकाश जी ने सौम्या को अपनी गोद में बैठा लिया और उन्होंने भी सौम्या को सॉरी कहा और मेरी तरफ देखते हुए थैंक्स कहा और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी घूमने चलते हैं। सौम्या ने कहा, पापा आंटी के पास तो कपड़े ही नहीं है तो वो क्या पहनेंगी? तुम मेरे कमरे से जो कपड़े पसंद हो वो पहन लेना और जल्दी से तैयार होकर आओ। हम दोनों खुश हो गए। मैंने कल्याणी देवी जी से जाने के लिए इजाज़त मांगी तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे में थोड़ा सा बदलाव देखा था। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कहीं किसी के साथ घूमने जा रही थी। जाते जाते आकाश जी ने पीछे से आवाज लगाई, नीला कलर मेरा फेवरेट है। उस समय तो मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब उनके रूम में गई तो देखा कि उनकी खिड़कियों के पर्दे भी नीले थे, उनके रूम में सोफा भी नीला था। मैं तब भी कुछ नहीं समझी, पर जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें लगभग सभी साड़ियां नीले कलर की थी, कुछ साड़ियां थी अलग कलर की। तब मैं उनकी बात का मतलब समझ गई। क्या ये किसी नए रिश्ते की शुरुआत है? मेरे मन में कई सवाल उठे पर मैंने उनको दबा दिया और एक डार्क नीली साड़ी पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई। हम घर से निकले, पहले तो सौम्या को पार्क घुमाया, फिर सौम्या के लिए कुछ कपड़े खरीदे और उसी मॉल में हमने खाना खाया और रात को घर आ गए। जब हम घर पहुँचे, कल्याणी देवी जी वहीं बरामदे में बैठी थी। अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो बेटा जो राधिका के कपड़ों को हाथ तक भी लगाने नहीं देता था, उसने आकांक्षा को राधिका के कपड़े पहनने के लिए दे दिए। ये बहुत बड़ी बात थी। घर पहुंचकर सौम्या को दूध पिलाकर उसके कमरे में सुलाकर मैं नीचे आ गई तो देखा आकाश जी वहीं पर बैठे थे। मेरे पास आते हुए बोले, थैंक्स आकांक्षा जी, आज आपकी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मैंने भी कह दिया, वैसे थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से आज मैंने जिंदगी में पहली बार इतना खुलकर एंजॉय किया है। अच्छा जाइए, आप सो जाइए, आकाश जी ने जाते जाते कहा। बहुत खूबसूरत लग रही थी आप। मैंने कहा, थैंक्स, वैसे मेरा फेवरेट कलर क्रीम है, और मुड़कर अपने रूम में चली गई। मस्त एक सुखद दिन की समाप्ति हुई। सुबह उठकर चाय पीकर मैं सोफे पर बैठी थी।
आकाश जी तैयार होकर आए और हम हॉस्पिटल चले गए। आज आकाश जी ने क्रीम कलर का सूट और पैंट पहना था। मुझे लगा कि कहीं उनके दिल में भी तो वही नहीं जो मेरे दिल में है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आंटी जी के घर जाने और फिर वापस आने के बाद आकाश जी ने मुझसे कहा, आकांक्षा जी, मेरी पुरानी सेक्रेटरी काम छोड़कर चली गई है, तो क्या आप मेरी सेक्रेटरी बनेंगी? क्या मैं उनकी तरफ आंखें फाड़कर देखती रही? तो उन्होंने कहा, ऐसी क्या देख रही है? मैंने कोई आपको आई लव यू बोल दिया क्या? पर मैं कैसे? मैंने आज तक कभी बाहर काम ही नहीं किया। आकाश जी बोले, उसमें क्या है? जैसे घर को मैनेज करती हैं, वैसे ही ऑफिस को और मेरे काम को मैनेज करिएगा। और मुझे पूरा भरोसा साहब, आप मेरी सेक्रेटरी बनकर अच्छे से काम कर लेंगी। मैंने भी हिम्मत करके हाँ बोल दिया और कल से ऑफिस आऊंगी बोल दिया। मुझको घर छोड़ने के बाद आकाश जी ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो मैंने भी बोल दिया, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आकाश जी ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स। मैं घर पर आ गई और नहाकर एक नई साड़ी पहनकर सौम्या के साथ बैठ गई। आज वरुण जी को हॉस्पिटल से घर लाना था, तो आकाश जी सीधा ऑफिस से ही हॉस्पिटल गए और वहां से वरुण को लेकर घर पहुंचकर आंटी ने वरुण को नीचे वाले कमरे में ही रहने को कहा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे होने से उसके जख्म भरेंगे नहीं। मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन यहीं सोफे पर ही हो जाऊंगी। तो आंटी ने कहा, सोफे पर क्यों, तुम ऊपर सौम्या के रूम में सो जाना। सौम्या भी खुश हो गई और आकाश जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सौम्या तो ठीक, पर आकाश जी क्यों मुस्कुराए समझ में नहीं आया। खाना खाने के बाद मैं सौम्या को लेकर ऊपर कमरे में चली गई। सोने के लिए सुबह उठकर जल्दी से नहाकर मैं मंदिर गई थी। कह सकते हैं कि पहली बार मंदिर गई थी, क्योंकि मेरा भगवान से विश्वास ही उठ चुका था। इसलिए मैंने भगवान से माफी भी मांगी और धन्यवाद भी किया। सुबह 7 बजे मैं वापस आई और कमला काकी ने मुझे चाय दी। आज पहली बार कमला काकी ने मुझे चाय पिलाई थी। मैं तैयार तो बैठी थी, तभी आकाश जी आए और नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, रेडी हो आकांक्षा जी? मैंने भी हाँ में सिर हिलाया और हम लोग निकल गए ऑफिस के लिए। आकाश जी के साथ मेरा ये दूसरा नया एक्सपीरियंस था। पहला तो मैं जिंदगी में पहली बार कहीं घूमने गई थी, दूसरा जिंदगी में पहली बार मैंने बाहर की दुनिया देखी थी। ऑफिस पहुंचकर मैंने आकाश जी को बोला, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। आकाश जी चले गए, तो मैंने अब ऑफिस के लिए चलना स्टार्ट किया। जैसे ही ऑफिस के गेट से अंदर घुसी, पहले तो मुझे गार्ड ने रोका और पूछा, आपको यहाँ किससे मिलना है? मैंने बताया, मुझे मिस्टर आकाश से मिलना है और मैं। इतने में गार्ड ने मुझे कहा, अभी आप जाइए, 2 बजे के बाद आइएगा, अभी साहब बिजी हैं। मैं हैरान थी कि ये गार्ड है या आकाश जी का सेक्रेटरी। मैंने फिर से निवेदन किया कि मुझे आकाश जी ने बुलाया है, आप उनसे बोल दो कि गेट पर आकांक्षा जी आई हैं। गार्ड ने फिर नहीं सुना और मुझे बाहर जाने को बोला। इतने में सामने से आकाश जी आते दिखे। क्या आकांक्षा कहाँ रुक गई और ना जल्दी अंदर, तुम तो गेट पर ही रुक गई। गार्ड ने जैसे ही सुना, उसकी तो सांस ही अटक गई। मैडम जी, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सर से शिकायत मत करिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। गार्ड ने गेट खोला और मैं अंदर आई। क्या हुआ, तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आए? आकाश जी ने पूछा, तो मैंने भी गार्ड को देखकर कहा, वो मैं देखना चाहती थी कि ऑफिस के लोग कैसे काम करते हैं। तो क्या देखा आपने? आकाश जी के पूछने पर मैं फिर से गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, काम तो अच्छा करते हैं, पर थोड़ा सामने वाले को सम्मान भी देना सीख जाए तो और अच्छा हो जाए। अच्छा चलिए बॉस। बॉस क्यों, क्या हुआ? आप तो ऐसे चौंके जैसे कि मैंने आपको आई लव यू बोल दिया हो। अब ऑफिस है और मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, तो आप मेरे बॉस हुए ना। हम दोनों केबिन के अंदर आ गए और आकाश जी के साथ एक और कोई लड़की थी। आकाश जी ने कहा, प्राची, इनको काम समझा दो और ये नई है तो इसको सब अच्छे से समझाना। जी सर।
कहते हुए प्राची मुझे काम समझाने लगी। मुझे भी सीखने की चाह बहुत पहले से थी, तो मैंने भी सब काम मन लगाकर सीखा। शाम को हम एक साथ वापस आए और फिर मैं सौम्या के साथ कुछ समय बिताई और खाना खाकर जल्दी ही सो गई, क्योंकि आज मैं थक भी गई थी। सुबह उठकर फिर वही रूटीन चालू हुआ। हम ऑफिस पहुंचे तो मैं सीधे केबिन में आ गई और काम करने लगी। मैं बॉस के सामने बैठकर काम कर रही थी कि केबिन का दरवाजा मेरे ठीक पीछे था। यस मिस्टर विशाल, कहिए कोई काम था क्या? बॉस ने मेरे पीछे खड़े आदमी से कहा। वो बॉस, मेरे घर से फोन आया था कि मेरी माँ अभी अभी चल बसी तो मुझे छुट्टी चाहिए थी। मैंने बिना देखे ही आवाज और नाम से ही जान लिया कि ये वही मेरा जालिम पति है। जब मैंने अपनी सास की मृत्यु का समाचार सुना तो दिल में धक्का लगा। आप कैसी भी थी, पर थी तो मेरी सास ही। आकाश ने उनको छुट्टी दे दी और वो चले गए। मेरी आंखों में आंसू निकलता देख आकाश ने मजाक करते हुए कहा, क्या हुआ तुमको? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारी सास मर गई हो। मैंने भी उनसे कहा, बॉस वो मेरी सास ही थी और विशाल मेरा वही जालिम पति था। आकाश जी की तो बोलती ही बंद हो गई। मैंने भी छेड़ते हुए कहा, अब बोलिए बॉस, क्या बोल रहे थे आप? आकाश जी ने पूछा। चलना है क्या अपनी सास के घर? मैंने कहा। जाने की इच्छा तो है पर हिम्मत नहीं है, वो लोग फिर से गालियां देंगे। ऐसी कैसी गालियां देंगे? वो भार्गव इंडस्ट्री की मालकिन को। मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर दंग रह गई। उन्होंने कूल होते हुए कहा, सिर्फ नाटक करना है हमको और हम सौम्या को भी लेकर जाएंगे ताकि तुम्हारे चरित्र से बांझ होने का कलंक मिट सके। दुनिया इतनी आगे निकल गई है और ये लोग वहीं पर अटके हैं। अपनी कोक से ही जन्म देने पर औरत माँ बनती है क्या? अगर इतना दिमाग उनमें होता तो बच्चे के लिए तो और भी कई उपाय हैं। आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी तो उन्होंने फिर पूछा, क्या सौम्या तुम्हारी बेटी नहीं है? मैंने कहा, आकाश जी, सौम्या मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। आज से मैं बांझ नहीं हूँ। फिर हम लोग ऑफिस से निकले और घर पहुँचे और वहाँ से सौम्या को लेकर हम मेरे ससुराल पहुँचे। रास्ते में ही आकाश जी ने सौम्या को बता दिया था कि बेटा अब से तुम आंटी को मम्मी बोला। सौम्या भी इतनी सी उम्र में बहुत समझदार हो गई थी। हम जैसे ही मेरे ससुराल पहुँचे तो सबका रोना धोना चालू था। मैं तो पूरी तरह से तैयार होकर सज कर ही गई थी, क्योंकि मुझे उनके घर के मातम से मतलब नहीं था। मुझे तो उनको अपनी दौलत को और अपनी बेटी को दिखाना था। मेरे अंदर जाते ही सबकी नज़र हमारे ऊपर ही थी। मेरे पति मुझे देखते ही चिढ़ गए। तू यहाँ क्या करने आई है? तेरे को तो घर से निकाल दिया था ना? मैंने पीछे से आवाज आई, तो क्या हम चले जा यहाँ से? मेरे पति एकदम घबरा गए। बॉस आप? हाँ भाई, हम तो तुम्हारे गम में शामिल होने आए थे और तुम हमें दरवाजे से ही भगा रहे हो, मेरे पति ने घबराते हुए कहा। नहीं सर, आपको नहीं तो मैं इसको बोल रहा था। तभी सौम्या की आवाज आई, मम्मी ये अंकल कौन हैं जो ऐसे चिल्ला रहे हैं? मैंने सौम्या को जवाब दिया, बेटा ये अंकल एक राक्षस है। आपने वो ड्रैकुला वाली कहानी सुनी थी ना, जो खून पीता था, या अंकल भी वैसे ही ड्रैकुला हैं जो खून चूसते हैं। अच्छा मम्मी, तो फिर इस ड्रैकुला से हमें कौन बचाएगा बेटा? इससे बचाने के लिए गॉड हमको शक्ति देते हैं और हम इसको मार देंगे, मैंने सौम्या को समझाते हुए कहा। फिर मम्मी गॉड हमें कब शक्ति देंगे? मैंने कहा, बेटा आपके गॉड कौन है? सौम्या ने कहा, पापा। हाँ बेटा, आपके पापा ने ही हमको शक्ति दी है। एक प्यारी सी सौम्या और हमारी सौम्या ने इस गंदे अंकल को मार गिराया। मैंने अपना सुर तेज करते हुए कहा, सुना मिस्टर विशाल, ये मेरी बेटी है और भाभी आप भी देख लो। मैं बांझ नहीं हूँ। कहते कहते मैं सौम्या से लिपट कर वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। विशाल को काटो तो खून नहीं, वो तो आंख फाड़कर सब कुछ देख रहा था। उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे।
जिस औरत को वो अपने पैरों की जूती समझता था, वो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई। अब विशाल उसका अदना सा मुलाजिम था। मेरे जेठ जिठानी का भी यही हाल था। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सबके सब हक्का बक्का थे। उसके बाद आकाश जी ने और सौम्या ने मुझे चुप कराया और हम अपने घर आ गए। घर आकर कल्याणी जी को सब बात बताई तो वो कहने लगी कि बेटा तुमने अच्छा किया और वहाँ चली गई और अब तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। कल्याणी जी अपने बेटे में आए परिवर्तन को देखकर खुश थी। आकाश जी एक नेक दिल और बहुत सुलझे हुए इंसान थे। हाँ थोड़ा गुस्सा नहीं गुस्सा तो बहुत आता था उनको, पर उनका गुस्सा पानी के बुलबुले जैसा था। जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी गुस्सा गायब भी हो जाता था। आकाश जी मेरी बहुत ज्यादा केयर करने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनके दिल में क्या है। एक दिन मैं ऑफिस में अपना काम कर रही थी और आकाश जी मुझे ही घूरे जा रहे थे। यह उनका रोज का काम था, मुझे अपने सामने बिठा लेना और मुझको घूरना। अचानक उनको क्या हुआ कि उन्होंने बोला चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। मैं बहुत खुश हो गई कि आज दूसरी बार मैं उनके साथ घूमने के लिए जाऊंगी। हम घर आए तो आकाश जी ने मुझे उनकी सबसे प्यारी साड़ी पहनने के लिए दी, जो शायद उन्होंने अलग से कहीं संभाल कर रखी थी, क्योंकि वो साड़ी उन कलेक्शन में से नहीं थी जो मैं रोज पहनती थी। मैं जब साड़ी पहनकर आई तो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने सौम्या को भी तैयार किया और हम निकल गए घूमने के लिए। हम पहले सौम्या को घुमाने वॉटर पार्क गए, उसके बाद हमने 6 से 9 मुंबई शो देखा, फिर एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस घर आ गए। घर आते आते सौम्या कार में ही मेरी गोद में सो चुकी थी। हम बहुत खुश थे। आज हमने खूब मस्ती भी की। खाना तो हम बाहर से ही खाकर आए थे। कल्याणी देवी के हमारे आने का इंतजार कर रही थी। आकाश जी मुझसे हंसकर बातें कर रहे थे। आज उनको अपने बेटे को हंसता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। राधिका के जाने के बाद उन्होंने आकाश को आज पहली बार हंसते हुए देखा था। थोड़ी देर में कल्याणी जी सोने के लिए चली गई और मैं सौम्या को लेकर वही सोफे पर आकाश जी के साथ बैठी थी। रात के 11 बज चुके थे। आकाश जी ने बताया कि यह साड़ी जो मैंने तुमको दी है, ये साड़ी मैंने राधिका के लिए खरीदी थी, पर जिस दिन राधिका को ये साड़ी गिफ्ट करना था उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। मैंने पूछा फिर आपने मुझे ये साड़ी क्यों दी पहनने के लिए, तो आकाश जी ने कहा क्योंकि मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, पर मुझे उनको जवाब देना था। यह मैंने गलती कर दी क्योंकि उनको जवाब न देने की वजह से बात और आगे बढ़ी। मैं सौम्या को लेकर उसके कमरे में सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर में ही आकाश जी मेरे रूम में, मतलब सौम्या के रूम में आए तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। आकाश जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश जी ने मेरे होठों पर उंगली रखी और धीरे से कहा चुप शोर मत मचाओ, नहीं तो सौम्या जाग जाएगी। मैंने कहा वो तो सब ठीक है, पर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपने कमरे में। मुझे एक अनजाना सा डर सता रहा था। आकाश जी ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और कहा मैं सौम्या की मम्मी से प्यार करना चाहता हूँ। मैंने उनको रोकते हुए कहा ये गलत है आकाश जी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। पर उनके अंदर तो जानवर जाग चुका था। मैं ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि इससे आकाश जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बदनाम हो जाती। आकाश जी मुझे अपने कमरे में ले गए और एक बार फिर मुझे मेरा अतीत अपने आज में नजर आया। मैं आज भी पूरी रात नहीं सोई थी। सुबह होने को थी। मैंने घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे। मैं उठी और जाकर सौम्या के रूम में सो गई। जब आकाश जी ऑफिस जाने वाले थे तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई तो सौम्या ने बताया कि मम्मी को बहुत तेज बुखार है। आकाश जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और मेरा इलाज करवाया। सौम्या मेरे पास ही बैठी थी। उस दिन आकाश जी भी अपने ऑफिस नहीं गए थे।
मैं आकाश जैसी कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर आकाश जी ने सौम्या को दादी के पास भेज दिया और मुझसे बोले, आकांक्षा जी मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं कल ये सब कैसे हो गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे राधिका की बहुत याद आ रही थी, मैंने आपको राधिका समझकर वो सब कर दिया। मैं भी गुस्से में थी तो मैं भी नहीं चुप रह पाई। आकाश जी, आप मेरे पति जैसे ही निकले, जिस्म के भूखे आपको मैंने क्या समझा और आप कैसे निकले। आपको ये सभी करना था तो एक बार मेरे से बोल दिया होता, मैं तो आपके एहसान के नीचे वैसी ही दबी थी। आप जो चाहती मेरे साथ मैं करने देती, आपको इसे जबरदस्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद आकाश जी वहाँ से उठकर चले गए। मैंने भी जो हुआ उसको भूलकर वापस अपने काम पर लग गई। पर अब आकाश जी को देखकर वो खुशी व उत्साह नहीं था मेरे अंदर। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर सौम्या के साथ खेलना। डेढ़ महीने बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। पति साथ होता तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन अब जब मैं अकेली हूँ तो ये बच्चा मेरे लिए एक और कलंक लेकर आने वाला था। एक कलंक को मिटाने के लिए दूसरा कलंक। मैंने थोड़ी हिम्मत से काम लिया और आकाश जी के पास गई और उनको ये बात बताई, आकाश जी आपने जो गलत काम किया था उसका पाप मेरे पेट में पल रहा है, अब मैं इस पाप को कहाँ लेकर जाऊँ। आकाश जी ने दोबारा पूछा, क्या? मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। आकाश जी ने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, पहली बात तो ये पाप नहीं है, ये हमारे प्यार की निशानी है, और दूसरी बात तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। पर लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? आकाश जी ने मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया, मुझसे शादी करोगी? मैं हैरान थी कि यह क्या बोल रहे हैं। आप सिर्फ मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली। आकाश जी ने कहा, ऐसा नहीं है राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमको भूल नहीं सकता हूँ। देखा ना, आपने अभी मुझको राधिका नाम से पुकारा, मेरा नाम राधिका नहीं आकांक्षा है। आकाश जी तुरंत बोले, जानता हूँ, पर मैं तो हमेशा तुमको राधिका ही बुलाऊंगा। क्या तुम मेरी राधिका बनोगी? क्या तुम सौम्या की असली मम्मी बनोगी? मैं सौम्या का नाम सुनकर सोचने लगी, पर आपके घर वाले नहीं मानेंगे, उनको मैं बनाऊंगा। तुम मान गई तो वो भी मान जाएंगे। आकाश जी ने घर जाकर माँ से आकांक्षा से शादी करने की बात की तो खुशी खुशी मान गई, क्योंकि आकांक्षा ही है जिसने उनके बेटे की खोई हुई मुस्कान को फिर से लौटाया है। वैसे भी वो आकांक्षा को खुद से भी पसंद करती थी। आज से 2 साल बाद बहू मेरी चाय लाई। माझी कमला काकी, आप ये दूध देखिए, मैं अभी माँ जी को चाय देकर आती हूँ। भाभी, मेरी रेड वाली शर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ है भैया? वो मैंने निकालकर सामने वाली टेबल पर रख दी है। मम्मी, मेरा दूध दीजिए और जल्दी से मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है। ठीक है बेटा, तुम बाहर चलो, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। ये सौम्या भी ना, मम्मी स्कूल छोड़ने जाएगी तब जाएगी, वरना नहीं जाएगी। बहू, जल्दी से सौम्या को स्कूल छोड़कर तैयार हो जाओ, नहीं तो अभी आकाश घर सिर पर उठा लेगा। कल्याणी देवी जी ने सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखकर कहा, जी माँ जी, मैं बस अभी आई सौम्या को छोड़कर। तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। इतना दर्द मिलने के बाद आखिर भगवान ने मुझे ढेर सारी खुशियाँ दी। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरी बेटी सौम्या आज 13 साल की हो चुकी है, जो अपनी मम्मी की जान है। हम माँ बेटी नहीं, दो दोस्तों की तरह रहते हैं। सौम्या मेरी लाडली है, वो मेरे लिए लड़ती भी है और मेरी मदद भी करती है ताकि मैं अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगा सकूं। इसलिए सौम्या अपने दोनों छोटे भाई बहन को भी संभालती है। जी हाँ, शादी के 3 साल के अंदर मेरी सौम्या के अलावा एक लड़का और एक लड़की और भी हुए। आज मैं भार्गव इंडस्ट्रीज की CEO हूँ और मेरे पति ने विदेश में मेरे नाम से एक कंपनी खोली है।
आकांक्षा मोटर और विशाल शर्म के मारे हमारी कंपनी से रिजाइन कर दिया। कहीं और उसकी अच्छी नौकरी नहीं मिली, बस गुजारे लायक नौकरी मिली। उसकी माँ का देहांत हो ही गया था, उसकी शादी करने वाला अब घर में कोई नहीं बचा था, इसीलिए उसकी शादी भी नहीं हो पाई, क्योंकि उसके दोनों भाई ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी और वो अपनी मस्ती में ही मस्त थे। विशाल के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। विशाल ने खुद को पूरी तरह नशे में डुबो दिया था। काम से आते ही शराब पीकर नशे में चूर होकर घर आता था, लेकिन घर पर उसे खाने को पूछने वाला भी कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ती गई और वो भी बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी दोनों किडनी फेल हो गई और वो सही इलाज न मिलने के कारण तड़प तड़प कर मर गया। इधर आकांक्षा एक खुशहाल जीवन जीने लगी। विशाल जैसे लोग जो अपनी पत्नियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं और पत्नियों का मजबूर होकर उनका अत्याचार सहना पड़ता है, उन लोगों को अगर आपको सजा देने का हक मिल जाए तो आप क्या सजा देना चाहेंगे? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।